नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल योग एंड फिटनेस जर्नी में। आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ, अगर आप एमए योगा करना चाहते हैं, एमएससी योगा करना चाहते हैं, या फिर पीजी डिप्लोमा इन योगा या पीजी डिप्लोमा इन योगा थेरेपी का कोर्स करना चाहते हैं, तो अब आपको कई यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में इस कोर्स को करने के लिए देना होगा CUET, मतलब कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो NTA के द्वारा कराया जा रहा है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी से आप इन कोर्सेज़ को कर सकते हैं, साथ ही देखेंगे टेस्ट पेपर कोड क्या है और पेपर पैटर्न क्या है, यूनिवर्सिटीज़ के नाम क्या है और एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए इन कोर्सेज़ को करने के लिए। तो चलिए फिर स्क्रीन पर चल कर देखते हैं। तो आप देख सकते हैं ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का प्रोस्पेक्टर्स है और आप इनकी NTA की ऑफिशियल वेबसाइट से भी जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी जाके आराम से पढ़ सकते हैं। तो मैं सीधा कोर्सेज़ की बात करूंगा, योगा के कोर्सेज़ की। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, यहाँ लिखा हुआ CN नंबर, टेस्ट पेपर कोड 2023, प्रोग्राम सब्जेक्ट आप देख सकते हैं लिखा हुआ, डिग्री लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ पेपर पैटर्न, यूनिवर्सिटी और एलिजिबिलिटी। तो जो हमारा सीरियल नंबर 1113 से शुरू हो रहा है, हमारा जो योगा कोर्सेज है उसका आप कोड देख सकते हैं, यहाँ पर COQP21 है। टेस्ट पेपर कोड जो है वो सबका सेम रहेगा, प्रोग्राम नेम जो है वो है योगा और डिग्री जो है वो MSc है। पेपर पैटर्न आप देख सकते हैं, यहाँ पर पेपर जो है सबका सेम है, आपसे 25 क्वेश्चन जनरल नॉलेज जनरल के पूछे जाएंगे, 75 क्वेश्चन जो है डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको, ठीक है। बाकी देख सकते हैं ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा से आप ये कोर्स कर सकते हैं। उसके लिए आपको बैचलर डिग्री में कम से कम 50% मार्क्स चाहिए और जो रजिस्ट्रेशन है वो 5% दिया जा रहा है SC ST और PW और OBC के। बाकी जो अगला 11114 इसमें आप कोड देख सकते हैं वो सेम है, और प्रोग्राम नेम जो है वो है योगा स्टडीज़, डिग्री जो है वो है PD डिप्लोमा, एग्ज़ाम पैटर्न सेम है, यूनिवर्सिटी जो है वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी चाहिए इस कोर्स को करने के लिए, बैचलर UG प्रोग्राम फॉर टोकनाइज यूनिवर्सिटी और एनी इक्विवेलेंट एग्ज़ाम। बाकी आप सीरियल नंबर 1115 दे सकते हैं, टेस्ट पेपर कोड सेम है, प्रोग्राम नेम देख सकते हैं आप योगा थेरेपी है, और डिग्री जो है वो MSc है, एग्ज़ाम पैटर्न सेम है, जो करवा रही है यूनिवर्सिटी उसका नाम है सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान। उसके लिए आपको बैचलर डिग्री और एनी डिसिप्लिन फॉर साइंस और बैचलर डिग्री फॉर योगा विद नॉट लेस देन 50% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए आपके, और जो 5% लेस जो दिया जा रहा है वो SC ST और OBC और PWD कैंडिडेट्स को दिया जा रहा है। तो आगे आप देख पा रहे होंगे सीरियल नंबर 1116 पे टेस्ट पेपर कोड सेम है, प्रोग्राम नेम जो है वो योगा है, डिग्री जो है वो डिप्लोमा है, पेपर पैटर्न भी सेम है, जो यूनिवर्सिटी करवा रही है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार है, और उसमें बैचलर डिग्री में आपको कम से कम 45% मार्क्स चाहिए एंड और जो है जनरल OBC EW कैंडिडेट एंड 40% मार्क्स इन SC ST कैंडिडेट्स आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। अगला जो है वो है 1117, टेस्ट पेपर कोड सेम है, नेम है योगा थेरेपी, डिग्री जो है वो MSc है, पेपर पैटर्न भी सेम है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला करवा रही है, इसमें आपके इन एनी बैचलर डिग्री में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए और जो 5% लेस जो दिया जा रहा है वो SC ST को दिया जा रहा है, और नो अपर एज लिमिट दे सकते हैं आप यहाँ लिखा हुआ है। बाकी जो आपका अगला सीरियल नंबर है वो है 1118, टेस्ट पेपर कोड सेम है, ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ योगिक साइंस, प्रोग्राम नेम, डिग्री जो है वह MA की दे रही है आपको, यहाँ पर पेपर पैटर्न सेम है सबका, देख सकते हैं आप हेमवंती नंदन बहुगन गढ़वाल यूनिवर्सिटी श्रीनगर से आप ये कोर्स कर सकते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ एलिजिबिलिटी जो चाहिए आपको वो लिखा हुआ है, ग्रेजुएशन एनी डिसिप्लिन विद 40% मार्क्स फॉर जनरल OBC EWS और SC ST एज पर यूनिवर्सिटी रूल, ठीक है। फिर अगला जो है 1119 है, उसमें टेस्ट कोड नंबर सेम है, प्रोग्राम नेम जो है वो योगिक साइंस है, डिग्री है PG डिप्लोमा, एग्जाम पैटर्न सेम है और यूनिवर्सिटी का नाम भी सेम है, तो आप देख सकते हैं ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन विद 40% मार्क्स जनरल OBC EWS SC ST एज पर यूनिवर्सिटी रूल। ये कोर्स दोनों अलग अलग हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये MA है यहाँ पर, और जो है ये PG डिप्लोमा है। 1120 टेस्ट पेपर कोड आपका सेम है, प्रोग्राम नेम जो है वो आपका योगिक साइंस है, और डिग्री जो है वो MSc है, आप देख सकते हैं पेपर पैटर्न आपका सेम है, और यूनिवर्सिटी का नाम लिखा हुआ है मणिपुर यूनिवर्सिटी है, और एलिजिबिलिटी आप देख सकते हैं एनी फॉर फॉलोइंग द एग्जाम पास फॉर द लेस देन 50% मार्क्स जनरल एंड 45% ST ST OBC के लिए 45% मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद CL नंबर 1121 पर आप देख सकते हैं टेस्ट पेपर कोड सेम है, प्रोग्राम नेम जो है वो योगा है, डिग्री जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है, एग्जाम पैटर्न सेम है, यूनिवर्सिटी का नाम भी सेम है मणिपुर यूनिवर्सिटी है, ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, और उसके बाद फिर आपको 5% जो है रिलैक्सेशन SC ST OBC कैंडिडेट को दिया जा रहा है। 1122 पर आप देख सकते हैं एग्जाम पेपर कोड सेम है, प्रोग्राम नेम जो है वो है योगा थेरेपी,
डिग्री जो है वो MSc लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं एग्जाम पैटर्न सेम है। और जो करवा रही है यूनिवर्सिटी उसका नाम द नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी तिरुपति। और बाकी एलिजिबिलिटी यहाँ से देख सकते हैं, ओनली दोज कैंडिडेट हु पास एनी बैचलर डिग्री समाजशास्त्र एग्जाम फॉर द एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज बाय द यूनिवर्सिटी इक्विपमेंट ऑफ द एलिजिबल बाय द अप्लाई के पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद जो अगला सीएल नंबर है वो 1123 है। एग्जाम टेस्ट पेपर कोड सेम है। प्रोग्राम नेम जो है वो योगिक साइंस है और डिग्री जो है MA/MSc आप दे सकते हैं। पेपर पैटर्न भी सेम है। यूनिवर्सिटी है डॉक्टर हरी सिंह गौर विश्वविद्यालय है। तो एलिजिबिलिटी जो आपको चाहिए यहाँ से करने के लिए वो ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन कैंडिडेट बिलोंग द यूनिवर्सिटी अनरिजर्व TWS OBC NCL कैटेगरी मस्ट बी सिक्योर्ड एट द 40% मार्क्स होने चाहिए उनके इक्विवेलेंट द CGPA पैटर्न से। उसका देते हैं एलिजिबिलिटी 5% टू द क्वालिफाई एग्जाम विल बी गिवन द कैंडिडेट बिलोंग फॉर द SC/ST और PW के लिए है 5% क्वालिफिकेशन। बाकी आगे हम देख सकते हैं, उसके बाद देख सकते हैं हम सीएल नंबर 1124 पे। टेस्ट पेपर कोड सेम है और आगे देख सकते हैं प्रोग्राम जो नेम है वो है योगिक साइंस और डिग्री जो है वो MA/MSc है। एग्जाम पैटर्न सेम रहेगा। यूनिवर्सिटी का नाम जो है वो इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी है। बाकी आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी आपको जो चाहिए बैचलर डिग्री फॉर एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए टोकनाइज इंडियन फॉरेन यूनिवर्सिटी मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। केस जनरल OBC कैटेगरी 45% उनके 45% मार्क्स होने चाहिए। बाकी जो सीएल नंबर अगला है 1125 है। टेस्ट पेपर कोड सेम है। उसके बाद देख सकते हो प्रोग्राम नेम जो है वो योगा है और डिग्री नेम जो है वो MA/MSc है। एग्जाम पैटर्न सेम है। यूनिवर्सिटी जो करवा रही है उसका नाम बाबा साहिब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है। और आपको इस यूनिवर्सिटी से करने के लिए एलिजिबिलिटी जो दे रखी है वो BA/BSc इन योगा ग्रेजुएशन इन साइंस आर्ट्स कॉमर्स विद 50% मार्क्स होने चाहिए। 45% मार्क्स जो है वो SC/ST/PW फॉर ऑर्गेनाइज यूनिवर्सिटी है। आप देख सकते हैं अगला सीएल नंबर 1126 है। टेस्ट पेपर कोड सेम है, प्रोग्राम नेम भी सेम है और डिग्री जो है वो MSc है। पैटर्न आप देख सकते हैं सेम है। यूनिवर्सिटी का नाम है सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी जयपुर है और ग्रेजुएशन एनी स्ट्रीम विद एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए। बाकी जो अगला सीएल नंबर है वो 1127 है। टेस्ट पेपर कोड सेम है, प्रोग्राम नेम योगा, डिग्री जो है MA है, एग्जाम पैटर्न सेम है। यूनिवर्सिटी का नाम है सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी जयपुर। ग्रेजुएशन एनी स्ट्रीम विद एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए आपके। उसका अगला आप देख सकते हैं 1128 है। प्रोग्राम नेम योगा है और डिग्री जो है वो MSc है। एग्जाम पैटर्न सेम है और जो यूनिवर्सिटी करवा रही है रामकृष्ण मिशन विवेकानंद एजुकेशन है। उसके बाद देख सकते हैं जिसको आपको एलिजिबिलिटी जो चाहिए वो BSc योगा एंड BSc योगा थेरेपी BSc योगा एंड नेचुरोपैथी फुल टाइम रेगुलर एंड मोड फॉर द योगेंद्र यूनिवर्सिटी से मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए आपके। 45% मार्क्स रिजर्व कैटेगरी के लिए है और मिनिमम एज जो लिमिट दे रही है जनरल कैटेगरी 25 ईयर, रिजर्व कैटेगरी के लिए ऑल कैटेगरीज के लिए है और एज लिमिट रजिस्ट्रेशन फॉर रिजर्व कैटेगरी के लिए एज पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। आप यूनिवर्सिटी से पेपर भरने से पहले इनका एलिजिबिलिटी कैटेगरी जरूर देख लें। मैं आपको पढ़कर तो बता ही रहा हूँ, फिर भी आप खुद भी चेक करें। वही भरने से कुछ नहीं होगा, ऐसा ना हो कि आप एग्जाम देने के लिए वही ना हो एलिजिबल ही ना हो और आप कोड भर दो, यूनिवर्सिटी भर दो, कोड भर दो, ठीक है। अगला जो 1129 है। टेस्ट पेपर कोड सेम है। उसके बाद देख सकते हैं आगे प्रोग्राम नेम योगा लिखा हुआ है। उसका देख सकते हैं लिखा है डिग्री जो है PG डिप्लोमा है। एग्जाम पैटर्न भी सेम है, रामकृष्ण मिशन विवेकानंद एजुकेशन सेम यूनिवर्सिटी है। उसमें देख सकते हैं आपको एलिजिबिलिटी जो चाहिए इस कोर्स को करने के लिए PG डिप्लोमा के वो है 3 ईयर ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन। उसके बाद इंक्लूड PPED एंड MPED फॉर द ऑर्गेनाइज यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए और 45% जो रिजर्व कैटेगरी के लिए मिनिमम एज लिमिट यहाँ जाने कैटेगरी 28 दे रखी है, वो भी डेट भी दे रखी है 21 के से कैलकुलेट की जाएगी और रिजर्व कैटेगरी एज लिमिट रजिस्ट्रेशन फॉर रिजर्व कैटेगरी एज पर रूल के हिसाब से उनको छूट दी जाएगी। इसके बाद जो सीएल नंबर 1130 है। टेस्ट पेपर कोड जो है वो आपका सेम रहेगा, प्रोग्राम नेम जो है वो योगा है, डिग्री जो है वो MA है, एग्जाम पैटर्न भी सेम है आपका। जो यूनिवर्सिटी करवा रही है उसकी विक्रम यूनिवर्सिटी है, MP में है जो है, इसमें मिनिमम आपको 45% मार्क्स चाहिए। बाकी जो अगला कोड है वो दे सकते हैं आप 1131 है। टेस्ट कोड पेपर सेम है, प्रोग्राम नेम योगा है, डिग्री जो है वो MA है और पेपर पैटर्न सेम है। जो यूनिवर्सिटी का नाम है वो लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है और बड़ी यूनिवर्सिटी है। इसमें आपको अगर कोर्स करना तो एलिजिबिलिटी कैटेगरी आप दे सकते, बैचलर डिग्री में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए और 45% जो है वो SC/ST कैंडिडेट PW के लिए है। और आगे आप देख सकते हैं अगला जो नंबर है वो देख सकते हैं आप 1132 है। उसमें आप टेस्ट पेपर कोड सेम है आपका और प्रोग्राम नेम है वो योगा है और डिग्री जो है वो है MSc है। उसका एग्जाम पैटर्न भी सेम है। उसका यूनिवर्सिटी का नाम जो है मेवाड़ यूनिवर्सिटी है जो राजस्थान में है। बैचलर डिग्री में आपके कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए और जो है रजिस्ट्रेशन जो है 5% वो SC/ST और PW/OBC कैटेगरी के लिए है। बाकी अगला जो नंबर आप दे सकते हैं 1133 है। टेस्ट पेपर कोड सेम है, योगा, प्रोग्राम नेम है MA, डिग्री का नाम है, एग्जाम पैटर्न भी सेम है, मेवाड़ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी का नाम सेम है
और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप दे सकते हैं 50% है, और जो रिलैक्सेशन जो है वो 5% CST और PWD के लिए है। उसका दे सकते हैं 1113 का प्रोग्राम नेम जो है वो है योगा है, फिर प्रोग्राम जो डिग्री है उसका नाम PGDYED है, एग्जाम पैटर्न सेम है, और यूनिवर्सिटी जो IIT यूनिवर्सिटी है मेरठ में है उसमें आपके एलिजिबिलिटी के लिए आपको चाहिए पास विद 45% मार्क्स, और जो 40% जो CST इन बैचलर डिग्री पर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होने चाहिए। अगला जो सीरियल नंबर है वो 1135 है, जो कोड नंबर है वो दे सकते हैं आप। सेम है एग्जाम, प्रोग्राम नेम जो है वो मास्टर आर्ट्स है, और आप दे सकते हैं लिखा योगा, डिग्री जो है योगा है, एग्जाम पैटर्न सेम है आपका, यूनिवर्सिटी का नाम निर्वाण यूनिवर्सिटी जयपुर में है, जो ग्रेजुएशन होनी चाहिए वो भी एनी स्ट्रीम से। अगला जो है सी नंबर वो 1136 है, पेपर टेस्ट पेपर कोड सेम है, प्रोग्राम नेम योगिक साइंस है, डिग्री जो है वो MA और MSc है, एग्जाम पैटर्न सेम है, जो है गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार है, और कैंडिडेट हैव पास ग्रेजुएशन फॉर इक्विवेलेंट एग्जाम। गुरुकुल कांगड़ी एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, यहाँ से अगर आप योगा कोर्स कर सकते, योगा कोर्स की बहुत वैल्यू है इस यूनिवर्सिटी से अगर आप करते हैं तो। अगला जो सीएल नंबर है वो दे सकते हैं 1137 है, टेस्ट पेपर कोड सेम है, प्रोग्राम नेम है वो योगिक साइंस है, और जो डिग्री है वो PG डिप्लोमा है, एग्जाम पैटर्न सेम है, बाकी आप दे सकते हैं यूनिवर्सिटी का नाम गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार वो सेम है, कैंडिडेट और जो एलिजिबिलिटी कोई यहाँ से करने के लिए वो कैंडिडेट है पास्ट ग्रेजुएशन फॉर कोर्स करना है तो बाकी आप दे सकते हैं 1138 पे, टेस्ट पेपर कोड सेम है, प्रोग्राम नेम जो है वो योगा है, डिग्री जो है MSc है, पेपर पैटर्न भी सेम है, यहाँ दे सकते हैं, और यूनिवर्सिटी जो करवा रही है उसका नाम विश्व भारती यूनिवर्सिटी है। उसके बाद एलिजिबिलिटी जो चाहिए आपको, कैंडिडेट शुड बी हैव कंप्लीट फॉर एनी बैचलर डिग्री ऑफ साइंस एंड योगा फॉर UG रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। उसके बाद अगला सीरियल नंबर जो है वो 1139 है, टेस्ट पेपर कोड नेम सेम है, प्रोग्राम नेम योगा एंड नेचुरोपैथी है, डिग्री नेम PG डिप्लोमा है, एग्जाम पैटर्न जो है वो सेम है, यूनिवर्सिटी है जो करवा रही है अपैक्स यूनिवर्सिटी राजस्थान है। उसके बाद एलिजिबिलिटी जो आपको चाहिए यहाँ से करने के लिए वो आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, आप दे सकते हैं लिखा बैचलर डिग्री। अगला जो सेल नंबर आप दे सकते हैं लिखा 1140, टेस्ट पेपर कोड नेम सेम है, प्रोग्राम नेम भी सेम है, जो डिग्री है वो MA है, एग्जाम पैटर्न जो है वो सेम है, यूनिवर्सिटी का नाम गुजरात विद्यापीठ है, और आप एलिजिबिलिटी जो चाहिए आपको ग्रेजुएशन फॉर एनी डिसिप्लिन, कैंडिडेट भी लोइंग इन द रिजर्व रिजर्व मस्ट बी स्कोर उनके 50% मार्क्स होने चाहिए, और जो 5% है वो SC और EW के लिए आप दे सकते हैं। बाकी आप दे सकते हैं सेल नंबर 1141, टेस्ट पेपर कोड नेम सेम है, प्रोग्राम नेम योगा है, डिग्री जो है वो MA है, एग्जाम पैटर्न जो है वो सेम है, यूनिवर्सिटी का नाम जो है श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एंड संस्कृत यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली है, बैचलर डिग्री में आपके 40% मार्क्स होने चाहिए, और एज लिमिट आप दे सकते हैं, एज लिमिट भी दे रही है जो आपकी 30 होनी चाहिए। उसके बाद दे सकते हैं 1142 पे, टेस्ट पेपर कोड नेम सेम है, प्रोग्राम नेम जो है वो है पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा योगा थेरेपी का एजुकेशन, बाकी आप डिग्री का नाम दे सकते हैं PGDYTED, एग्जाम पैटर्न सेम है, यूनिवर्सिटी का नाम राजीव गांधी यूनिवर्सिटी है आंध्र प्रदेश। उसके बाद आप दे सकते हैं जो आपकी एलिजिबिलिटी चाहिए आपको वो ग्रेजुएशन में 45% मार्क्स होने चाहिए, बाकी आप अगला कोड दे सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है 1143, टेस्ट पेपर कोड नेम सेम है, बाकी आप दे सकते हैं प्रोग्राम नेम जो है वो योगा लिखा हुआ है, डिग्री जो है पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा की है, एग्जाम पैटर्न जो यूनिवर्सिटी करवा रही है उसका नाम यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा योगा होने और वे कैंडिडेट दैट सीकिंग द एडमिशन प्रोग्राम मस्ट बी हैव पास द फाइनल ईयर बैचलर डिग्री एग्जाम फॉर एनी स्ट्रीम से होनी चाहिए आपकी ग्रेजुएशन। उसके बाद दे सकते हो वो 1144 है, टेस्ट पेपर कोड जो है वो सेम है, उसके बाद प्रोग्राम नेम जो है वो योगिक साइंस है, और डिग्री नेम जो है वो MSc है, और एग्जाम पैटर्न भी सेम है। उसके बाद दे सकते हैं जो यूनिवर्सिटी करवा रही है उसका नाम सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिल्ली है, और उसमें आपको जो एलिजिबिलिटी चाहिए उसका नाम वो है शास्त्री या फिर बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास विद संस्कृत सब्जेक्ट, आप दे सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो 1145 में, टेस्ट पेपर कोड सेम है और प्रोग्राम नेम जो है वो है योगा है, और उसके बाद डिग्री जो है PG डिप्लोमा की है, एग्जाम पैटर्न आपका सेम है, और यूनिवर्सिटी का नाम IIM यूनिवर्सिटी ग्वालियर है। इसमें आपके एलिजिबिलिटी आप दे सकते हैं 3 ईयर ग्रेजुएशन एनी डिसिप्लिन इंक्लूड द BPED MPED फॉर द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद 50% मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद रिजर्व कैटेगरी के लिए 45% है, और एज लिमिट भी आपको दे रही है 28 साल होनी चाहिए आपकी कम से कम, और रिजर्व कैटेगरी के लिए जो है वो एज पर गवर्नमेंट रूल है आप देख सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं आप सीएल नंबर 1146 पे, टेस्ट पेपर कोड नंबर देख सकते हैं आप सेम है। उसके बाद जो है प्रोग्राम नेम ह्यूमन कॉन्शियसनेस एंड योगा साइंस PG 2 & 4 सेमेस्टर, उसका डिग्री का नाम जो है वो देख सकते हैं MSc है, पेपर पैटर्न जो है वो सेम है, और यूनिवर्सिटी का नाम जो है बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी है। एलिजिबिलिटी आप दे सकते हैं 45% मार्क्स होने चाहिए, ग्रेजुएशन में आपके 45% मार्क्स होने चाहिए, PG डिप्लोमा योगा और BSc ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं, उसके बाद अगला सीरियल नंबर जो है वो 1147 है, टेस्ट पेपर कोड सेम है, और जो है ह्यूमन कॉन्शियसनेस एंड योगा साइंस PG 2 & 4 सेमेस्टर, डिग्री नेम जो है वो MA है, एग्जाम पैटर्न सेम है, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी आप दे सकते हैं सेम है यहाँ पर। उसके बाद जो अगर वो है 1148 है, टेस्ट पेपर कोड सेम है, प्रोग्राम नेम जो है वो योगा है, और MSc डिग्री का नाम MSc है, और एग्जाम पैटर्न भी सेम है, और यूनिवर्सिटी का नाम दे सकते हैं GGSIP यूनिवर्सिटी है, और एलिजिबिलिटी जो आपको यहाँ से करने के लिए BSc योगा ग्रेजुएशन विद 50% मार्क्स होनी चाहिए,
और साइंस मेडिकल पैरामेडिकल फिजियोथेरेपी ग्रेजुएशन लेवल डिग्री विद 1 ईयर डिप्लोमा इन योगा साइंस द ग्रेजुएशन लेवल डिग्री शुड बी 50% मार्क्स इन रॉयल यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल उसका कैंडिडेट शैल बी मैरिड मेडिकली फिट भी होनी चाहिए आपको अगर यहाँ से ये कोर्स करना है तो। अगला जो सीरियल नंबर आप दे सकते हैं 1149 है। टेस्ट पेपर कोड जो है वो सेम रहेगा, प्रोग्राम नेम जो है वो है योगा और जो डिग्री है वो एमए योगा है, पेपर पैटर्न है वो सेम रहेगा और जो यूनिवर्सिटी का नाम है जिस यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हो उसका नाम है श्री कुशलदास यूनिवर्सिटी। के लिए आपको एलिजिबिलिटी चाहिए बैचलर डिग्री इन आर्ट्स 36% मतलब 36% आपके मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद अगला जो सीरियल नंबर आप दे सकते हैं 1150 है। टेस्ट कोड नंबर सेम है, प्रोग्राम नेम है वो है योगा है आप दे सकते हैं। उसके बाद जो डिग्री है वो एमएससी ऑब्लिक एमए आप दे सकते हैं। टेस्ट पेपर जो है वो आपका सेम है। उसका जो यूनिवर्सिटी का नाम है वो शुनली यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल एंड मैनेजमेंट साइंस है और इसकी एलिजिबिलिटी जो है वो ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम विद मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए आपके। उसका जो अगला सीरियल नंबर आप दे सकते हैं 1151 है। टेस्ट पेपर कोड जो है वो सेम है और जो प्रोग्राम नेम है वो आप दे सकते हो ग्रेजुएट डिप्लोमा इन योगा एजुकेशन एंड फिलोसफी है। जो डिग्री है उसका नाम देख सकते हैं आप लिखा PGDYEP है और जो एग्ज़ाम जो पेपर पैटर्न है वो आपका सेम होगा और जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम है विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन जो मध्य प्रदेश में है और एलिजिबिलिटी मिले वहाँ आपके 40% मार्क्स होने चाहिए UG में। उसके बाद जो आप आगे देख सकते हैं सीरियल नंबर है 1152। टेस्ट पेपर कोड जो है वो सेम है और प्रोग्राम नेम जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं योगा लिखा है और डिग्री जो है वो एमए है। पेपर पैटर्न होगा वो भी सेम है आप दे सकते हैं। उस यूनिवर्सिटी का नाम आप दे सकते हैं AK यूनिवर्सिटी है। उसके बाद जो एलिजिबिलिटी चाहिए आपको इस कोर्स को करने के लिए यहाँ बैचलर डिग्री विद मिनिमम 45% मार्क्स होनी चाहिए और 40% जो है वो इनकेस ऑफ SC ST के लिए है। अगला जो सीरियल नंबर आप दे सकते हैं 1153 है। उसके बाद जो टेस्ट पेपर है कोड जो है वो सेम है। उसके बाद जो प्रोग्राम नेम है वो योगा है और उसके बाद जो डिग्री है उसका नाम MSc है। यहाँ पर पेपर पैटर्न जो है वो सेम है और यूनिवर्सिटी का नाम दे सकते हैं आप सेम है और जो आपको एलिजिबिलिटी चाहिए वो भी यहाँ से सेम है। तो ये अलग अलग कोर्स हैं, एक MA हो गया, एक MSc हो गया और एक कोर्स और है यहाँ से यूनिवर्सिटी करवा रही है। तो आप दे सकते हैं अगला जो सीरियल नंबर है वो 1154 है। टेस्ट पेपर कोड जो है वो सेम है, प्रोग्राम नेम योगा है, डिग्री जो है पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा 1 ईयर है, पेपर पैटर्न जो है वो सेम है, उसके बाद यूनिवर्सिटी का नाम जो है वो भी सेम है और जो एलिजिबिलिटी है वो थोड़ी डिफरेंट है आप देख सकते हैं। लिखा बैचलर डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट फॉर द एनी रिकॉग्नाइज इंडिया और फॉरेन यूनिवर्सिटी। तो ये कम से कम 32 यूनिवर्सिटी है जिनसे आप योगा कोर्स कर सकते हैं। तो उसके बाद मैं आपको एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बता देता हूँ कैसा आपका एग्ज़ाम आएगा। तो आप देख सकते हैं ये पेज नंबर 12 पे है, एग्ज़ाम स्कीम एग्जामिनेशन स्कीम लिखा हुआ है। मोड ऑफ एग्ज़ाम जो है वो CUT विल बी कंटेंट जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका और मीडियम जो होगी आपको बायलिंगुअल है आप दे सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर आएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इजी हो जाएगा आपके लिए पेपर देना बहुत। स्ट्रक्चर और क्वेश्चन पेपर है वो आप दे सकते हैं। तो मैंने आपको जो कोड बताया वो है COQP21, तो वो जो है वो इसके अंदर आ रहा है, यहाँ से लेकर जो है इसके अंदर आ रहा है हमारा जो कोड है। तो उसके हिसाब से जो हमारा क्वेश्चन पेपर पैटर्न होगा वो ऐसा होगा, आप दे सकते हैं लिखा नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे जो MCQ टाइप होंगे, डिवाइड जो इंटू टू पार्ट्स में जो डिवाइड होंगे, एक पार्ट में आपके 25 क्वेश्चन जो होंगे वो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के होंगे जिसमें आपके कंप्रेहेंसिव वर्बल एबिलिटी जनरल अवेयरनेस मैथमेटिक क्वांट एबिलिटी और एनालिटिकल स्किल्स। उसके बाद आपके जो पार्ट टू है उसमें 75 डोमेन नॉलेज क्वेश्चंस के होंगे, डोमेन्स मतलब जो आपने ग्रेजुएशन में जिसमें करी है उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे 75। एग्जाम पैटर्न मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आपसे क्वेश्चन आएंगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको टेस्ट पेपर कोड बता ही दिया है COQP21 है जो कि, और उसके बाद जो है पेपर पैटर्न आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर सामने और यूनिवर्सिटी के नाम भी मैंने आपको बता दिए और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपको मैंने सारी यूनिवर्सिटी का बता दिया है। तो लगभग आप 32 यूनिवर्सिटी से एमए योगा, एमएससी योगा, पीजी डिप्लोमा इन योगा और पीजी डिप्लोमा इन योगा थेरेपी का कोर्स कर सकते हैं। तो आप अपने एरिया के हिसाब से देख सकते हैं कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी सूट करेगी और आपको सर्च करनी पड़ेगी। मैंने आप जितनी भी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही है, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, चाहे वो डीम यूनिवर्सिटी है, चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। प्रोस्पेक्टस का लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप खुद भी जाके एक बार ध्यान से पढ़ें। अगर आपको फिर भी कोई क्वारी है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं और भी लोगों को ये वीडियो शेयर करें क्योंकि वो भी अपना योग में करियर बना सकें। तो MA योगा करने के बाद आप UGC नेट का एग्जाम दे सकते हैं और तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एज असिस्टेंट प्रोफेसर लग सकते हैं। तो इन यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में CUT द्वारा एडमिशन लेकर आप योग में करियर बना सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप सभी से आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस तरह के अपडेट के लिए योगा एंड फिटनेस जर्नी के लिए साथ बने रहिए। नमस्कार।